हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू तंवर केमिस्ट्री क्लासेस। मैं हूं एस तंवर एंड वी स्टडीज अबाउट द सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ द सॉलिड स्टेट। इससे पहले जो है प्रीवियस वीडियो में जो है हमने जो है आई थिंक थ्री वीडियो से पहले अपलोड कर दिए थे इसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विद सॉल्यूशंस। यस, आज इस सीरीज को कंटिन्यू रखते हुए कुछ और जो है क्वेश्चन हैं उसको अपन सॉल्व कर रहे हैं। यस, तो देखते हैं क्या क्वेश्चन है और कौन से हैं। Yes. तो आज का जो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन जो है, व्हाट इज एफ सेंटर, व्हाई आर सॉलिड कंटेनिंग एफ सेंटर्स आर पैरामैग्नेटिव। यस, सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट इज एफ सेंटर, एंड वाई एफ सेंटर कंटेनिंग सॉलिड्स आर आर पैरामैग्नेटिक। एफ सेंटर क्या होता है और जो सॉलिड्स एफ सेंटर रखते हैं वो पैरामैग्नेटिक नेचर के क्यों होते हैं उसके बारे में हम स्टडी करते देखते हैं। तो एफ सेंटर का सिंपली हम क्या करते हैं, ये नॉन स्टोकोमेट्रिक जो मेटल एक्सेस डेफिशिएंसी का एक एग्जांपल है। यस, ये भी ध्यान रखना है, कभी एक बार क्वेश्चन पूछ सकते हैं ये किसका एग्जाम्पल है, क्या है। एफ सेंटर जो है वो नॉन स्टोकोमेट्रिक डिफेक्ट है और इसमें मेटल एक्सेस होता है। और एफ सेंटर होता क्या है, एन आयनिक वैकेंसीज वेयर इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रैप्ड। एक ऐसी एन आयनिक वैकेंसीज जहाँ पे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रैप्ड होते हैं, इसको क्या बोलते हैं, एफ सेंटर बोलते हैं। एन आयनिक वैकेंसी वेयर इलेक्ट्रॉन इज ट्रैप्ड। And this F center is responsible for the color of a crystalline solid. Color nature of crystalline solid. Yes, an ionic vacancy where electrons is trapped is called F center. और ये F center जो होता है क्या करता है, आयनिक सॉलिड और क्रिस्टलिक सॉलिड जो होते हैं कलर नेचर के होते हैं, क्यों होते हैं, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एफ सेंटर। एंड सेकंड पार्ट इसका पूछा है, व्हाई एफ सेंटर कंटेनिंग क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर पैरामैग्नेटिक इन नेचर। तो पैरामैग्नेटिक के लिए जो फैक्टर रेस्पॉन्सिबल होता है क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स या अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। ये एफ सेंटर कंटेनिंग जो इलेक्ट्रॉन्स होता है क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है। ये अनपेड इलेक्ट्रॉन जो होता है क्या करता है, पैरामैग्नेटिक नेचर के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। ये फ्री इलेक्ट्रॉन जो होता है एनायनिक वैकेंसी के अंदर जो ट्रैप्ड हो रहा है वही इलेक्ट्रॉन क्या होता है, रेस्पॉन्सिबल होता है पैरामैग्नेटिक नेचर के लिए। इसको अपन बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन या अनपेड इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन्स और अनपेड इलेक्ट्रॉन्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द पैरामैग्नेटिक नेचर।
या फिर इसी वजह से ये एब्सेंटर कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन्स होता है। दिस इलेक्ट्रॉन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉलिड या क्रिस्टलिक सॉलिड दैट मीन्स पैरामैग्नेटिक नेचर के क्यों होते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स हु इज एब्सेंटर। यस सो दिस इज अ सॉल्यूशन ऑफ द फर्स्ट आंसर। सेकेंड क्वेश्चन जो हमारा है नेम ऑफ क्रिस्टल डिफेक्ट हुज रिड्यूस द डेंसिटी ऑफ एनायनिक सॉलिड। या हो कह सकते हैं विच रिड्यूस which reduces the density of anionic solid। an ionic solid ionic solid ki density ko kya karta hai reduce karta hai। and what types of ions ionic substances so this defect। Name a crystalline defect whose reduced density of the ionic solid and what types of ionic substances show this defect। आपको बताना क्या है उस ionic solid के नाम बताने हैं या कौन सा जो defect होता है क्या करता है ionic solid की क्या करता है density को reduce करता है। हमने क्या पढ़ा था 3 types के defect पढ़े थे 3 कौन से पढ़े थे स्टोकोमेटिक डिफेक्ट इम्पेरिटी डिफेक्ट एंड नॉन स्टोकोमेटिक डिफेक्ट। स्टोकोमेटिक डिफेक्ट में हमने क्या पढ़ा था वैकेंसी डिफेक्ट एंड इंटरस्टेटल डिफेक्ट। सो वैकेंसी डिफेक्ट जो होता है वो क्या करता है वैकेंसी में क्या होता है इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस एंड एनायंस होता है क्या करता है कंप्लीटली मिसिंग हो जाते हैं किससे क्रिस्टल लैटिस से। यस तो उससे क्या होती है वॉल्यूम जो होता है इंक्रीज होता है डेंसिटी जो होती है क्या होती है। तो वैकेंसी डिफेक्ट हम कंसिडर करेंगे यहाँ पे फर्स्ट पार्ट का। तो वैकेंसी डिफेक्ट किसका पार्ट है स्टोकोमेट्रिक का ये। वैकेंसी डिफेक्ट इज रिड्यूस डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल सॉलिड या क्रिस्टलाइन सॉलिड यस। सेकेंड पार्ट पूछा एंड व्हाट टाइप्स ऑफ आयनिक सब्सटेंसेस शो दिस डिफेक्ट। वैकेंसी डिफेक्ट का एग्जांपल हमने क्या लिया था शॉर्टकी डिफेक्ट। वैकेंसी डिफेक्ट का हमने एग्जांपल कंसीडर किया था इसको आप ये भी लिख सकते हो क्या शॉर्टकी डिफेक्ट। शॉर्टकी डिफेक्ट है वो वैकेंसी डिफेक्ट का ही एग्जाम्पल है तो हम यहाँ पे वैकेंसी डिफेक्ट और करके लिख सकते हैं। शॉर्टकी डिफेक्ट क्या करता है रिड्यूस द डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टलिक सॉलिड या क्रिस्टलाइटिस। और यहाँ पे पूछा है क्या कंडीशन जो होती है and what types of ionic substances this defect किस टाइप के आयनिक सॉलिड्स होते हैं जिसमें ये डिफेक्ट शो करता है या डिफेक्ट मिलता है तो कौन से आयनिक सॉलिड्स। आयनिक सॉलिड्स हैविंग लार्ज कोऑर्डिनेशन नंबर या फिर लार्ज स्मॉल डिफरेंस ऑफ साइज ऑफ कैटायन एंड एनायंस। सो आयनिक सॉलिड्स विच हैज स्मॉल साइज डिफरेंस ऑफ कैटायन एंड एनायंस आर सो दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट। या फिर बेसिकली हम ये कह सकते हैं आयनिक सॉलिड्स दे हैव लार्ज कोऑर्डिनेशन नंबर। सेकेंड इसका आंसर। आयनिक सॉलिड्स
they having small size defect. If small size differences of ions, yani cation and anions. Yes, या फिर सिंपली हम कह सकते हैं जो जिनका कोऑर्डिनेशन मतलब क्या होते हैं हाई होते हैं और हैविंग हायर कोऑर्डिनेशन नंबर. एग्जाम्पल कंसिडर कर तो NaCl ले सकते हैं, सीजियम क्लोराइड है, पोटेशियम क्लोराइड है, ये सभी क्या है कैल्शियम क्लोराइड, इनके एग्जाम्पल है. NaCl एक आइडियल एग्जाम्पल है, सीजियम क्लोराइड भी आइडियल एग्जाम्पल. इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है क्या होता है, 6:6 होता है, इसमें जो 8:8 होता है, ये बेसिक एग्जाम्पल्स. यस, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर सेकेंड. नाउ वी टेक्स क्वेश्चन नंबर थर्ड. Which stoichiometric defect in crystalline solids increase the density of a solid? Which stoichiometric डेंसिटी को यहाँ पे क्या हो रहा है, क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करना है. स्टोकोमेट्रिक की जगह हम क्या लिखते हैं, नॉन स्टोकोमेट्रिक लिखेंगे. विच नॉन स्टोकोमेट्रिक डिफेक्ट इन क्रिस्टलाइन सॉलिड increases density of a solid. Yes. So, कौन सा जो स्टोकोमेट्रिक डिफेक्ट जो होता है क्या करता है क्रिस्टल सॉलिड की डेंसिटी को क्या करता है, इंक्रीज करता है. हम यहाँ पे क्या ले सकते हैं, जो मेटल एक्सेस डिफेक्ट जो होता है. यस, मेटल एक्सेस डिफेक्ट जो होता है क्या होता है, ये स्टोकोमेट्रिक नॉन स्टोकोमेट्रिक डिफेक्ट है और ये मेटल एक्सेस क्या करता है, डेंसिटी को इंक्रीज करता है. मेटल एक्सेस डिफेक्ट. यस, इसमें जो मेटल जो होता है क्या होता है, एक एक्सेस होता है. एक्सेस मेटल क्या करता है, डेंसिटी चोरी को क्या करता है, इंक्रीज करता है. मेटल एक्सेस डिफेक्ट में क्या होता है, किस टाइप से बनाते हैं, इलेक्ट्रिकली या चार्जिकली जो होता है वो क्या होता है, कोई भी क्रिस्टल होता है, न्यूट्रल होता है. अगर अपन दिस इज ए ले रहे हैं, बी माइनस, ए प्लस, बी माइनस, बी माइनस, ए प्लस, बी माइनस, ए प्लस, ए प्लस, बी माइनस, ए प्लस एंड बी माइनस. तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट में क्या होता है, एक मेटल जो होता है क्या होता है, इसमें एक्सेस मिलता है. इसके जो इंटरस्ट्रल साइड्स होती है, जैसे यहाँ पे यूजुअली पॉजिटिव चार्जेस को ऊपर मेटल लिया है, ये मेटल एक्सेस हो गया. और कोई भी डिफेक्ट होती है इलेक्ट्रिकली चार्जिकली न्यूट्रल होती है, तो जितने मेटल एक्सेस होते हैं उतना क्या होता है, इलेक्ट्रॉन आ गए. इंटरस्ट्रल साइड्स होती है वहाँ पर एक एक्स्ट्रा मेटल जो होता है क्या करता है, ऐड हो जाता है. तो यहाँ पर मेटल एक्सेस डिफेक्ट जो होती है जिसमें क्या होता है, डेंसिटीज इंक्रीज हो जाती है, बिकॉज यहाँ पे वॉल्यूम जो होता है क्या होता है, डिक्रीज होता है. क्वेश्चन नंबर फोर्थ. अच्छा क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेसिस है, कैलकुलेशन थोड़ी सी इन्वॉल्व इसमें है.
इन क्रिस्टलाइन सॉलिड एन एन सी आर अरेंज इन सी सी पी दैट इज क्यूबिक क्लोज पैक्ट क्रिस्टल लैटिस बना रहा है. कैटाइन्स ए ऑक्यूपाइड फिफ्टी परसेंटेज ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स एंड कैटाइन. यहाँ पे टू टाइप्स किसमें कैटाइन मिले हैं एंड कैटाइन. बी जो क्या कर रहा है ऑक्यूपाइड 50% ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सॉलिड या क्रिस्टलिक सॉलिड. ये क्रिस्टलाइन सॉलिड इसका हमें फॉर्मूला पूछा क्या है. ये क्रिस्टलाइन सॉलिड इसमें क्या है थ्री टाइप्स के आयन है कैटाइन्स एनायन्स. एक एनायन जो है एनायन मैंने पहले बताया कि क्या करता है जो क्रिस्टल लाइटिस को कंस्ट्रक्ट करता है बिकॉज वो लार्ज साइज का होता है. और कैटाइन जो क्या करता है कंस्ट्रक्ट होने के बाद में जो वॉइड क्रिएट होती है. अब वॉइड जो होती है एक ही सॉलिड में टू टाइप्स की वॉइड्स हो सकती है टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो है थ्री डी अरेंजमेंट जो होता है उसमें दोनों ही एक साथ मिलती है टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स. तो कैटाइन ए क्या करता है टेट्राहेड्रल वॉइड्स फिलअप करता है टोटल जितने भी वॉइड्स है टोटल वॉइड्स का 50% फिलअप करता है. एंड कैटाइन जो बी क्या करता है वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स करता है क्रिएट को ऑक्यूपाइड कर रहा है ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स की टोटल जितने भी वॉइड्स है उस क्रिस्टल लैटिस में उसकी 50% वॉइड्स को क्या कर रहा है क्रिस्टलाइन कवर कर रहा है. तो देखते हैं इसका फॉर्मूला क्या होता है. हम यहाँ पे क्या लेते हैं थ्री आइटम्स को कंसिडर करते हैं. दिस इज एटम्स ए दिस इज बी एंड दिस इज सी. स्ट्रक्चर कैसी है सी सी पी स्ट्रक्चर है क्यूबिक क्लोज पैक्ड अरेंजमेंट है. क्यूबिक क्लोज पैक्ड अरेंजमेंट जो है सी सी पी में नंबर ऑफ एटम्स जेड इज इक्वल टू क्या होते हैं फोर होते हैं ये आपको ध्यान रखना है. एटम ए क्या करता है क्रिस्टल लैटिस को कंस्ट्रक्ट कर रहा है दैट मीन्स एन एन होगा. एटम बी क्या कर रहा है टेट्राहेड्रल वॉइड्स को क्रिएट कर रहा है ऑक्यूपाइड कर रहा है टी का मीनिंग टेट्राहेड्रल वॉइड्स क्रिएट कर रहा है सॉरी ऑक्यूपाइड कर रहा है. एंड एटम जो सी हो रहा है अच्छा मैंने उल्टा लिखा सॉरी. एटम जो सी क्या कर रहा है क्रिस्टल लैटिस को बिल्ड कर रहा है कंस्ट्रक्ट कर रहा है. एटम बी जो है टेट्राहेड्रल वॉइड्स ऑक्यूपाइड कर रहा है. एंड एटम जो ए टेट्राहेड्रल्स और एटम बी जो क्या कर रहा है ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को क्रिएट कर रहा है. जो वॉइड्स को क्रिएट करते हैं एटम्स वो कैसे होते हैं पॉजिटिव चार्ज कंटेनिंग होते हैं. एक बार दोबारा समझ लो थोड़ा सा उल्टा सल्टा कर दिया था हमने. एक क्रिस्टल लैटिस है जिसमें क्या करता है एटम सी क्या करता है सी सी पी के फॉर्म में अरेंजमेंट है दैट मीन्स एटम सी क्या करता है उस क्रिस्टल सॉलिड या क्रिस्टल लैटिस को क्या कर रहा है कंस्ट्रक्ट कर रहा है बिल्ड कर रहा है. बिल्ड करने के ड्यूरिंग जो है रिजल्टेड टू टाइप्स की हमें वॉइड्स प्रोड्यूस हो रही है क्रिएट हो रही है. एक है टेट्राहेड्रल वॉइड्स और दूसरी है ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स. अभी कह रहा है कि टेट्राहेड्रल वॉइड्स होती है उसको ऑक्यूपाइड कर रहा है कौन कर रहा है एटम्स ए एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स है उसको ऑक्यूपाइड कर रहा है कौन कर रहा है कैटाइन जो है एटम बी जो होता है उसको ऑक्यूपाइड कर रहा है. जो वॉइड्स को ऑक्यूपाइड करते हैं एटम्स या आयंस वो ऑलवेज कैसे होते हैं पॉजिटिव चार्ज कंटेनिंग होते हैं बिकॉज पॉजिटिव जो स्मॉल साइज के होते हैं वही वॉइड को ऑक्यूपाइड करते हैं. एंड जो क्रिस्टल लैटिस को कंस्ट्रक्ट करता है वो ऑलवेज नेगेटिव चार्ज कंटेनिंग आयंस होता है जो लार्ज साइज का होता है. अरेंजमेंट कैसा है सी सी पी अरेंजमेंट है. सी सी पी के लिए जो जेड की वैल्यू होती है नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं फोर होते हैं. तो सिंपली हमें नंबर ऑफ एटम्स होते हैं हमेशा क्रिस्टल लैटिस को बनाते हुए इसके इक्वल होते हैं जेड के. तो जेड इज इक्वल यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स और एन आई हमें कितने मिलेंगे नंबर ऑफ एटम्स के इक्वल मिलेंगे फोर मिलेंगे. तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितनी मिलती हैं नंबर ऑफ एटम्स की डबल मिलती है. दिस इज ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स ओके मीनिंग ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स. टेट्राहेड्रल वॉइड्स आर डबल टू नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल. यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम्स कितने फोर है तो एन आई एस के कितने होंगे फोर होंगे.
टेट्राहेड्रल वॉइड्स क्या होगी, इसकी डबल होगी, एट होगी। और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होती है, क्या होती है, नंबर ऑफ एटम्स के इक्वल होती है, या फिर कह सकते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड्स की हाफ होती है, दिस इज ऑल्सो इन फोर। अभी कह रहा है टोटल जितनी भी वॉइड्स है टोटल वॉइड्स का ही क्या करता है, 50% कवर कर रहा है, 50% को अपन क्या करते हैं एंड दिस इज ऑल्सो कवर 50% वॉइड्स 1/2 दैट इज हमें जो क्या मिला है 4 8 × 1/2 एंड दिस इज 4 × 1/2। सिंप्लीफाई करिए 2 से 4 times 2 times क्या मिला है रेशियो 4:4:2। हम इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं बिकॉज हमें जो भी होता है एम्पिरिकल सिंपलेस्ट होल नंबर के फॉर्म में लिखना होता है, सभी क्या है 2 से डिविजिबल है, जो लिस्ट नंबर है उसे डिवाइड कर दो 2 2 and 1। रेशियो क्या मिला है 2:2:1। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, इनको सभी को एटम से इनको सब्सक्रिप्ट के फॉर्म लिख देते हैं, सब्सक्रिप्ट के फॉर्म लिख देते हैं, तो C2A2B1 दिस इज अ मॉलिक्यूल फार्मूला ऑफ कंपाउंड्स। इस कंपाउंड का क्या होगा, मॉलिक्यूल फार्मूला होगा। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है 50% 75% जो भी दे रखा है 25% यस 60% जो भी दे रखा है, टोटल वॉइस को क्या करते हैं उस परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर देते हैं और परसेंटेज को क्या करते हैं सिंपल में चेंज करते हैं, तो डिवाइड बाई 100 करते हैं, जो भी परसेंटेज दे रखा है उसको क्या कहते हैं डिवाइड बाई 100 करते हैं, बिकॉज परसेंटेज ऑलवेज फाइंड आउट फ्रॉम द हंड्रेड्स यस। तो ये क्या होगा, दिस इज अ फार्मूला ऑफ आयनिक सॉलिड आयनिक क्रिस्टल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू मेटलिक एंड आयनिक सॉलिड्स डिफर इन कंडक्टिविटीज, क्वेश्चन नंबर 5। हाउ डू मेटलिक एंड आयनिक सॉलिड्स आर डिफर इन कंडक्टिविटीज, आर डिफर बाय कंडक्टिविटीज कंडक्टिविटीज पे के बेसिस पे हम मेटलिक सॉलिड्स एंड आयनिक सॉलिड को हम डिफ्रेंशिएट कैसे कर सकते हैं, किस फॉर्म में वो डिफर है एक दूसरे से यस। तो यहाँ पे मेटलिक सॉलिड और आयनिक सॉलिड को आपको कंसिडर करना है। आयनिक सॉलिड जो होते हैं क्या करते हैं, सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी के नॉन कंडक्टर होते हैं वाइल दे शो कंडक्टेड इन द मॉल्टन स्टेट, लेकिन वाइल मेटलिक सॉलिड जो होते हैं सॉलिड एंड मॉल्टन दोनों स्टेट में क्या होते हैं इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं। आयनिक सॉलिड्स आर नॉन कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन द सॉलिड स्टेट व्हाइल दे शो कंडक्टेड इन द मोल्टन स्टेट। They conduct electricity molten state
क्यों करते हैं? क्योंकि वो क्या करते हैं, मॉल्टन स्टेट में उसमें फ्री आयंस होते हैं और सॉलिड स्टेट में आयंस होते हैं, आपस में क्या होते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स होते हैं इसके थ्रू क्या होते हैं, आपस में स्ट्रॉन्गली टाइटली पैक्ड रहते हैं, फ्री आयंस नहीं होते हैं। मेटलिक सॉलिड होते हैं क्या करते हैं, आर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड एज वेल एज मॉल्टन स्टेट। As well as molten state. Yes, solid और molten दोनों state में electricity को connect कर सकते हैं। Second point हम consider करें तो क्या लिखते हैं, ionic solids होते हैं उसमें conductivity के लिए जो factor responsible होता है क्या होता है, free ions होते हैं। इन द आयनिक सॉलिड्स फ्री आयंस आर रेस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिविटीज। और मेटलिक सॉलिड्स होते हैं इसमें क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिविटीज, बट इन द मेटलिक सॉलिड फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर रेस्पॉन्सिबल for conductivities. Yes, ये conductivities है, conductivities के लिए major two factors होते हैं, two difference consider कर सकते हैं। Ionic solids होते हैं electricity के non conductor होते हैं in the solid state, because solid state में उसके जो opposite ions होते हैं positive and negative ions क्या होते हैं, strongly tightly packed रहते हैं, but they show conductivity in the molten state. Molten state में these ions are free and these free ions are responsible for the conductivity. While in the case of metallic solids, they conduct electricity in solid as well as molten state. और इसका जो cause होता है, रीजन होता है, क्या होता है, free electrons. Ionic solid में free ions होते हैं, वो conduct करते हैं electricity को, और metallic solids होते हैं वो उसमें free electrons होते हैं, वो क्या करते हैं, electricity को conduct करते हैं। Next question. अच्छा question, important question जो है, derivation है. क्वेश्चन नंबर 6, देयर आर द रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ रेडियस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स and radius of atoms in the closed packed arrangement. Yes, there is the relation between radius of octahedral voids ki jo radius and atom jo hai close packed arrangement ke during jo us atom ki radius aur tetrahedral voids hai voids ki radius ka relation hame find karna hai, wo kya hota hai, isko derive karna hai, bahut hi important question jo hai.
थ्री मार्क्स के फॉर्म में क्वेश्चन जो आपको पूछ सकते हैं। सबसे फर्स्ट जो हमारा जो रोल होगा क्या होगा, हमें देखना है कि ऑक्टाहेड्रल वॉल्स होती है कैसे क्रिएट होती है, कितनी स्पेस से कवर रहती है, क्या होता है। हम एक साइड का क्या करते हैं, किसी भी एक क्यूब की एक फेस को लेते हैं और देख रहे हैं ऑक्टाहेड्रल वॉल्स कैसे क्रिएट होती है। थ्योरी में मैं ऑलरेडी स्टडी करा चुका हूँ, ऑक्टाहेड्रल वॉल्स होती है क्या करता है, सिक्स स्पेयर्स होते हैं उसकी कवर रहती है, ये फोर स्पेयर्स खुद की इस लेयर के हैं और इसके बीच में जो है ये जो वॉइड्स क्रिएट हो रही है, इस वॉइड को हम क्या बोलते हैं, दिस वॉइड इज ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। यस, एक स्पेयर जो होता है इस वॉइड्स के ऊपर होगा, दूसरा जो होगा कहाँ पर होगा, इसके डाउनवर्ड होगा। एक स्पेयर जो होता है क्या होता है, इस वॉइड्स के ऊपर होगा। फोर्थ तो क्या होते हैं, सेम प्लेन वाले स्पेयर है। और एक स्पेयर जो होता है इस जो रेड कलर का ये वॉइड है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, इसके ऊपर होगा। एक जो होगा इसके क्या होगा, बिलो होगा, डाउन होगा। तो ये क्या करता है, सिक्स स्पेयर जो होते हैं क्या करते हैं, इस वॉइड को कवर करते हैं या इस वॉइड के टच में रहते हैं। यस, अब हम कंसिडर करते हैं क्या करते हैं इसमें, एक तो अपन फेस डायगोनल ड्रॉ कर देते हैं, हमें रिलेशन फाइंड करना है, जैसे मैंने पैकिंग ऑप्शन वगैरह फाइंड की थी उस फॉर्म में। लेबल कर देते हैं, दिस इज ए बी सी एन डी, हम किसी एक फेस को कंसिडर कर रहे हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स के लिए। ये जो होते हैं क्या होते हैं, ये जो होता है क्या होता है, एज लेंथ कह सकते हैं, साइड ऑफ यूनिट सेल कह सकते हैं, दिस इज ऑल्सो साइड ऑफ यूनिट सेल। अब ये जो स्पेयर जो है, यहाँ पे टू टाइप्स के स्पेयर है, ये तो क्या है, स्पेयर ऑफ एटम, एटम का जो स्पेयर है, ये क्या है, साइज ऑफ या स्पेयर जो है वॉइड है, वो भी हमने क्या लिया, स्पेरिकल के फॉर्म में लिया है। तो यहाँ से यहाँ तक ये रेडियस होती है, इसको अपन कंसिडर करते हैं रेडियस स्पेयर कैपिटल आर, दिस इज ऑल्सो रेडियस ऑफ स्पेयर कैपिटल आर। और वॉइड्स की रेडियस है, इसको अपन कंसिडर करते हैं क्या करते हैं, स्मॉल आर के फॉर्म में क्या यूज लेते हैं, दिस इज अ स्मॉल आर। और इसके लिए अपन यहाँ से लेके कंसिडर कर सकते हैं क्या, टू आर, बिकॉज ये डायमीटर के इक्वल होते हैं, आर प्लस आर, यहाँ से आर है रेडियस है, तो आर प्लस आर क्या हो गया, टू आर। ताकि हम क्या करते हैं, इसकी फेस डायगोनल है, इसको अपन यूज ले सकते हैं और इसके थ्रू डेरिवेशन कर सकते हैं। अब इसमें जो हमने जो पैरामीटर यूज किया, इसको थोड़ा सा लेबल कर देते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए, ताकि इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आर इज इक्वल टू क्या है, रेडियस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड, कैपिटल आर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ एटम, ए इज इक्वल टू लेंथ ऑफ यूनिट सेल कह सकते हैं या एज लेंथ कह सकते हैं, यस। अब हम यहाँ पे इसका रिलेशन फाइंड आउट करने के लिए, सबसे फर्स्ट हमें यहाँ पे क्या मिला, एक राइट ट्राइंगल मिल रहा है, इन राइट ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी हमें क्या मिला है, राइट ट्राइंगल मिला है। और राइट ट्राइंगल के लिए हमें फाइंड आउट करना है क्या करना है, पहले तो डायगोनल को फाइंड करना है। और डायगोनल फाइंड कैसे करते हैं, हमें पता है पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं, तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे हमें क्या मिलेगा, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। और थोड़ा सा यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर देते हैं, ए बी इज इक्वल टू क्या है, बी सी इज इक्वल टू ए, यस, ए बी इज इक्वल टू दिस है, एंड ए सी इज इक्वल टू किसके इक्वल है, आर प्लस टू आर प्लस आर, दिस इज ए सी, ए सी इज इक्वल टू आर प्लस टू आर प्लस आर, कैपिटल आर प्लस टू स्मॉल आर प्लस आर, दिस इज अ ए सी। सो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, देयर फॉर ए सी इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं क्या, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू ए स्क्वायर, इसका अपन ने क्या किया, रूट किया, सो रूट टू, यस। अब ए सी की जगह हम उसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं किसको, चलो यहाँ तक इसको ये रखते हैं। अब हम इसको थोड़ा सा क्या करते हैं, अरेंज करने के लिए हमें रिलेशन जो है
ए को हमें कैंसिल आउट करना है, रिलेशन को हमें क्या फाइंड करना है, तो अपन क्या लिख सकते हैं, ऑल्सो ए सी अपॉन ए बी। ए सी को अपने क्या किया है, ए बी से डिवाइड किया है, और इजिकल हमें क्या मिला है, ए सी इजिकल टू रूट टू ए मिला है, और ए बी की वैल्यूज क्या है, इजिकल टू ए। सो ए से ए हमने क्या कर दिया है, कैंसिल आउट कर दिया है, और क्या मिलेगा, रूट टू बाई, यहाँ पे कुछ भी नहीं, मतलब वन, यस, रूट टू बाई वन। नाउ वी सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ ए बी इनकी, यस, ए बी इजिकल हमें यहाँ पे देख सकते हैं, ए बी इजिकल क्या है, दिस इज आर एंड दिस इज ऑल्सो आर। सो वी नो ए बी इजिकल हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या है, आर प्लस आर दैट इज टू आर। ये जो ए बी ए यूज ले रहे हैं, एज लेंथ ले रहे हैं, उसके लिए अपन कंसिडर करते हैं आर प्लस आर टू आर, और ए सी अपने पहले ही ऑलरेडी इसको लिख चुके हैं। अब इसकी वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, जहाँ पे क्या लिखा है, ए सी इज इक्वल टू, ब्रैकेट में यहाँ पे लिखता हूँ, ए सी इज इक्वल टू आर प्लस टू आर प्लस आर, एंड ए बी इज इक्वल टू क्या होता है, टू आर। दिस इज ए बी, सो आर प्लस आर इज इक्वल टू टू आर। यहाँ पे इस इक्वेशन में हम क्या करते हैं, ए सी की जगह इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते थे, ए बी के लिए ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते थे, तो क्या मिलेगा, सो आर प्लस टू आर प्लस आर अपॉन टू आर, सॉरी दिस इज आर इज इक्वल टू में क्या है, रूट टू बाई वन, यस। तो इसको सॉल्व करते हैं, हमें क्या मिलेगा, 2R प्लस 2R अपॉन 2R इज इक्वल टू रूट टू अपॉन वन। यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं, क्या 2 कॉमन ले लेते हैं, तो क्या मिलेगा, आगे यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, देखिए 2R प्लस 2 कैपिटल R प्लस 2 स्मॉल R, इसको अपन 2 तो हमने यहाँ पे क्या लिया, कॉमन लिया है, तो क्या रहेगा, R प्लस स्मॉल R डिवाइड बाई 2R इज इक्वल टू रूट टू बाई वन। 2 से 2 कैंसिल हो गया, यस, तो क्या मिला, आर प्लस आर अपॉन आर इज इक्वल टू रूट टू अब वन हम लिखे तो नहीं लिखे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, टू वन से डिवाइड कर तो नंबर स्वयं आएगा। अब इसको अपन सिंप्लीफाई करें, इसको अपन अलग अलग कैसे लिख सकते हैं, कैसे, इसका मीनिंग आर जो ही क्या है, इन दोनों से डिवाइड हो रहा है, कैपिटल आर से भी डिवाइड हो रहा है, स्मॉल आर से भी डिवाइड हो रहा है, तो आप लोगों को ईजी हो जाए। मैंने लिखा कि आर प्लस आर अपॉन कैपिटल आर इज इक्वल टू रूट टू, सो आर से आर कैंसिल हो जाएगा, कितने टाइप कैंसिल हो रहा है, वन टाइम्स, तो इसके लिए अपन क्या लिख सकते हैं, इसका आगे का बॉक्स ने यहाँ पे कर रहा है, याद रखिए, यस, ये पॉर्शन जो है, इस पॉर्शन का आगे हम सॉल्यूशन जो है ये कर रहे हैं आगे। तो आर और आर को कैंसिल किया, क्या रहा, वन, वन टाइम कैंसिल हो रहा, हम यहाँ पे लिख सकते हैं वन प्लस इज इक्वल टू रूट टू। ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, वन को हमने क्या किया, शिफ्ट कर दिया, ट्रांसफर कर दिया, कैंसिल साइड राइट हैंड साइड कर दिया ट्रांसफर, तो आर अपॉन आर इज इक्वल टू रूट टू माइनस वन। वी नो रूट टू की जो वैल्यू हमें पता है क्या है, 1.41, रूट टू जो होता है क्या होता है, 1.414 कह सकते हैं, दिस इज रूट टू, और इससे वन क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, तो क्या मिलेगा, आर अपॉन कैपिटल आर इज इक्वल टू 1.414 माइनस वन इज इक्वल टू क्या मिला है, 0.414, यस। तो हमें यहाँ पे R इसको अरेंज कर देते हैं, तो क्या मिलेगा, देयरफॉर स्मॉल R इज इक्वल टू 0.414 और कैपिटल R, कैपिटल R इज रेडियस ऑफ स्फीयर एंड स्मॉल R इज रेडियस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वर्ल्ड, दिस इज अ डेसिमल पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, डायरेक्टली क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। तो रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वर्ल्ड्स एंड दिस इज अ रेडियस ऑफ स्फीयर या एटम्स, एटम्स की रेडियस और ऑक्टाहेड्रल वर्ल्ड्स की रेडियस का जो रिलेशन, सॉरी हाँ, उसका रिलेशन जो होता है क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल वर्ल्ड होती है उसकी रेडियस होती है कितनी होती है, 0.414 रेडियस ऑफ आर।
स्पेयर की रेडियस दे रखी थी, हम इसकी साइज फाइंड आउट कर सकते हैं, किसकी ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स की फाइंड कर सकते हैं। यस, अगले वीडियो में मैं टेट्राहेड्रल के लिए भी बताऊंगा, और टेट्राहेड्रल के लिए जो इसका रिलेशन आ रहा है वो क्या आता है, आर इक्वल टू क्या आता है 2.225 आर आता है। और मैंने आपको थियोरटिकल पोर्शन में लिखा था डिस्टिंग्विशन करने के लिए टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में, मैंने आपको ये लिखा कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होती है लार्ज इन साइज और टेट्राहेड्रल वॉइड्स होती है स्मॉल इन साइज होती है। यस, बिकॉज टेट्राहेड्रल वॉइड्स का साइज ही आती है और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स की साइज क्या है। यस, तो क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 3 मार्क्स की क्वेश्चन जो है डेरिवेशन के फॉर्म आपको पूछ सकते हैं। यस, तो आज हम यहाँ तक ही स्टॉप करते हैं, बाकी जो क्वेश्चन जो और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगा। सो थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो।